माय डियर स्टूडेंट्स टू आर एमबी क्लास स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले ट्वेल्थ न्यू सिलेबस एसएससी बोर्ड चैप्टर सेकंड मैट्राइसिस एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पिछले लेक्चर में देखा था। इस लेक्चर में आज हम बचे हुए दो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, इनको देखेंगे। ओके, तो पिछले लेक्चर में मैंने बेस प्लस ये सब क्वेश्चंस बताए थे आपको। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, जिसमें हमने बेस भी देखा था और एक्सरसाइज भी, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का भी बेस मैंने बताया था, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इनका बेस क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में होने वाले जो फॉर्मूलेज है। ओके, यहाँ पे इसका बेस देखिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें दिया जाएंगे इनवर्स फाइंड करने के लिए, किसका, मैट्रिक्स का। मैंने बताया था यहाँ पे इसका दो रूट होते हैं फाइंड करने के लिए, किसका, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के। पहला मेथड क्या है यहाँ पे, देखिए एडजॉइंट मेथड। ओके, एडजॉइंट मेथड एंड सेकंड क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए एडजॉइंट मेथड सॉल्व करने के लिए क्या होगा, हमें इनवर्स फाइंड करने के लिए ए का इनवर्स, फॉर एग्जांपल ए इनवर्स हमें फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/ डिटर्मिनेंट ए। पहले क्या करना पड़ेगा, हमें डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है एंड देन एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे फाइंड होगा, हमने क्या स्टेप से देखते हैं। फर्स्ट माइनर हम फाइंड करेंगे, देन को फैक्टर का मैट्रिक्स एंड देन क्या मिलेगा हमें, एडजॉइंट। हम क्या करते हैं, जो को फैक्टर मैट्रिक्स रहता है रो का कॉलम कर देते हैं। ओके, चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इनका इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आइए यहाँ पे क्या दिया गया, फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। देखिए हमें यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करने को बोला है, एडजॉइंट मेथड। ओके, एडजॉइंट मेथड का हमने क्या फॉर्मूला देखा था, देखिए इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करने का, ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या था, 1/ डिटरमाइंड ए इंटू एडजॉइंट ए। ओके, ये फॉर्मूला था। अभी मैंने आपको बताया था एडजॉइंट कैसे हमने फाइंड करना है, पहले माइनर एंड देन कोफैक्टर, देन कोफैक्टर का मैट्रिक्स करेंगे, उसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मतलब उसे ट्रांसपोज कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, वो एडजॉइंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन फर्स्ट का देखते हैं, क्या ए इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें गिवन मैट्रिक्स दिया गया ए। ओके, चलिए हम क्या करेंगे, पहले इसका डिटरमाइंट फाइंड कर लेते हैं। देखिए हमें क्या करना है, अगर उसका डिटरमाइंट 0 हमें मिलता है, ओके, तो मतलब वो सम वहीं पे सॉल्व होता है, अदरवाइज कोई और माइनस नेगेटिव या पॉजिटिव में नंबर मिलता है हमें तो वो आगे होगा। अगर 0 मिलता है तो हैंस बोलता है, हमें लिख देना सिंपल कि इसका आंसर 0 है, देयरफॉर दिस आंसर कैन नॉट बी एंड वी कैन फाइंड इट इनवर्स। ओके, चलिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसका डिटरमाइंट फाइंड करते हैं। ओके, तो उससे पहले हम यहाँ पे इसका पोजीशन लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, इसका पोजीशन हमें लिखना इम्पॉर्टेंट बहुत है, जिससे हमारे खुद को ओके इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसका A11, A12 एंड देन A21 एंड इट A22। ओके, अब यह डिटरमाइंट यहाँ पे फाइंड करना है, ए डिटरमाइंट इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स है उसको आपको यहाँ पे एज इट इज़ लिखना है। ओके, यहाँ पे -3, 5 एंड देन ईयर 2, इसका -1 और 2 का मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या, -1 × -, यहाँ पे सिर्फ 2 है तो कितना हो जाएगा, -2 हमें मिल जाएगा। ओके, -2 एंड देन क्या, यहाँ पे -3 × 5 तो कितना हमें मिल जाएगा, यहाँ पे इसका -15 मिल जाएगा। ओके, और इन दोनों का क्या करना है, हमको माइनस करना है सिंपल। एंड देन क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये माइनस और ए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -2 + इतना 13 हो जाएगा। एंड देन क्या होगा, इसका माइनस करेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 15, ये इसका प्लस किया हमने 15 एंड देन इसको क्या करेंगे, -15 - 2 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 13 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक है 0 को इक्वल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है, यहाँ पे क्या, अगर आपको यहाँ पे क्या मिलता है 0, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ए इनवर्स इज नॉज एग्जिट। ओके, तो हम क्या, देयरफॉर वी कांट फाइंड एडजॉइंट मेथड थ्रू इट मैट्रिक्स। ओके, अब क्या करना है हमें यहाँ पे, अब हमने देख लिया इसका क्या डिटरमिनेंट 13 है,
एक हमने रिटर्न मिनर निकाला, हमें 13 मिला। एंड देन इसका क्या नेक्स्ट स्टेप, हमें माइनर निकालना है। ओके, तो माइनर हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सब सॉल्व साथ में सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको और ईजी हो जाएगा। ओके, आइए यहाँ पे माइनर निकाल दें पहले M11, उसके बाद M12, हम यहाँ पे पहले लिख लेते सब M एंड देन M22। ओके, तो माइनर फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था हमें कभी करना है इसका M11, इसका मतलब इसका पोजीशन यहाँ पे। तो क्या करना है, इसका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड करना है। ओके, और इसका अपोजिट देखना है, यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है अभी 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। ओके, एंड देन क्या करना है, इसका M12 का पोजीशन यहाँ पे, तो इसको क्या करना है, हाइड करना है यहाँ पे इसका रो और इन देन इसका कॉलम यहाँ पे क्या है -3। ओके, तो आप इनको इसको भी ऐसे ही करना है, तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट देखते हैं, -3 का 5 हो जाएगा, एंड देन 2 का क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया, इसका माइनर फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है, इसका एड कोफैक्टर। ओके, यहाँ पे क्या निकाल लिया हमने, माइनर। देखिए आपको अपने बुक में सही से लिखना है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए सब साथ में कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आप इसका कोफैक्टर कैसे निकालता है, कोफैक्टर का फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने देखा था पिछले लेक्चर में कोफैक्टर का बहुत यूज़ किया था। ओके, तो कोफैक्टर का क्या फॉर्मूला था, AIJ, यहाँ पे हम फिर से लिख लेते -1i+j MIJ। ओके, ये हमें याद रखना है कोफैक्टर का फॉर्मूला। AIJ, आई क्या रहता है हमारा, रो रहता है, एंड देन J क्या रहता है, कॉलम रहता है। ओके, तो A1 हम किसका निकाल ले, A11, A11 का यहाँ पे क्या है -1, देन 1 दिस प्लस J कितना है 1, तो ये 1। ओके, एंड देन क्या करना है यहाँ पे M माइनर IJ, इसका क्या है, इसका निकाल रहा है 11, यहाँ पे माइनर इसका कितना है M11 का 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। देखिए मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे इसको एडअप करने पे क्या होता है, इवन नंबर आता है, तो क्या होगा, इसके साइन में जो चेंजेस माइनर का रहता है वो कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर ऑड नंबर आता है तो क्या होगा, साइन में चेंजेस होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए पहले तो यहाँ पे देखिए क्या, इवन तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट आपको सॉल्यूशन के साथ जाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 2, क्योंकि यहाँ पे 1+1, देखिए आपको यहाँ पे इस ही को ऐड करना है यहाँ पे। ओके, और कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, एंड देन यहाँ पे क्या है 1+2 कितना होता है 3, मतलब 3 क्या है एक ऑड नंबर है। ओके, तो क्या इसका ये जो साइन चेंज होगा, जब हम क्या करेंगे इसका कोफैक्टर, तो A12 करेंगे तो क्या होगा, इसका साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे डायरेक्ट। ओके, यहाँ पे 21 इसका निकालते हैं, यहाँ पे 5 है, 21 कितना है 3 है, 3 का क्या होगा साइन चेंज होगा, तो क्या होगा यहाँ पे प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 22 कितना होता है 4 का इवन नंबर है, मतलब ये साइन में चेंजेस होगा, नहीं साइन में चेंजेस नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे इसे -1 एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे को फैक्टर भी फाइंड कर लिया हमने। अब क्या करना है हमें, एसी को फैक्टर का को फैक्टर मैट्रिक्स करना है। आइए करते हैं नीचे, हम को फैक्टर मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे को फैक्टर मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, AIJ क्या है हमारा को फैक्टर है, यहाँ पे हम पहले इसे मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला कैसे हमें क्या करना है, जॉइंट में निकालेंगे तो कैसा होगा, यहाँ पे क्या है AIJ, इसका क्या मैट्रिक्स बनाते हैं हम, यहाँ पे अब एलिमेंट को पुट करते हैं उनका, जो यहाँ पे पोजीशन है उसके वाइज, 1-1 का क्या है यहाँ पे फर्स्ट आएगा। ओके, यहाँ पे 1-1 का पोजीशन आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 है, तो यहाँ पे 2, और 1-2 कितना है 3, एंड देन -5, एंड देन -1। अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे आपको देखने ध्यान से। ओके, अब हम एडजॉइंट करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे एडजॉइंट, देखिए हम क्या करते हैं, पहले एडजॉइंट का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, क्या तो AIJ का हम क्या करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज को क्या मैंने आपको बताया था, रो का कॉलम, कॉलम का रो करते। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं देखते, AIJ क्या यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2-3 का रो है, ये रो का क्या हो जाएगा, ये रो 1 का कॉलम 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 2-3 क्या हो गया कॉलम फर्स्ट हो गया ना, ऐसे यहाँ पे -5 -1 क्या है, यहाँ पे -5 -1 ये सेकेंड रो था,
तो ये सेकेंड कॉलम हो गया। ओके तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज मतलब क्या, हमने रो का कॉलम, कॉलम का रो कर लिया। ओके तो हमने यहाँ पे कितने स्टेप्स किए, अभी हमने यहाँ पे पहले क्या करना है, इसका डिटरमाइंट ए फाइंड करना है। डिटरमाइंट का ध्यान रखना है कि जीरो ना हो, तो यहाँ पे लिखना है ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स है जो वो है बिकॉज इट इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। देन यहाँ पे माइनर फाइंड करना है, को फैक्टर, उसके बाद उसका मैट्रिक्स करना है, एंड देन यहाँ पे उसका एड जॉइंट। ओके तो एड जॉइंट हमें देखिए एक बार फॉर्मूला देखते हो वापस से, हमें फॉर्मूला में क्या क्या बोला गया था फाइंड करने के लिए। हमने क्या करना है, एड जॉइंट निकाल, ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, वन अपॉन क्या निकालना है, ये हमने फाइंड किया यहाँ पे 13 है, एंड देन क्या है एड जॉइंट ए, एड जॉइंट ए हमने क्या किया यहाँ पे निकाला। ओके तो ये क्या हमारा एड जॉइंट ए है। तो यहाँ पे हम लास्ट में कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे यहाँ वी हैव ओके तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एड ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल्स टू वन अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एड जॉइंट ए। ओके तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, एड जॉइंट ए निकाला था। और यहाँ पे अब चलिए क्या करते हैं, इनका जो हमने फाइंड किया वैल्यूज उसे हम पुट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए का वैल्यू कितना है 13, यहाँ पे कितना 13 लिखेंगे। ओके एंड देन क्या है यहाँ पे एड जॉइंट है, हमने कितना निकाला है एड जॉइंट। ओके यहाँ पे इसका फॉर्मूला है क्या, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यहाँ पे ए टी है। ओके याद रखना है आपको, तो जाके हमें एड जॉइंट मिला है। एड जॉइंट किसका हमने फाइंड किया, ए का। तो एड जॉइंट ए हमें यहाँ पे कितना मिला वो हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट है, पॉइंट क्या है यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन है। ओके यहाँ पे आपको लगाना है, यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे सिंपल इसको 2, 3, -5 एंड देन -1, ये हो गया हमें इसका सॉल्यूशन। ओके तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसका सॉल्यूशन। तो एक बार हम वापस से देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमें गिवन क्वेश्चन दिया गया था। ओके तो हमने पहले इसका पोजीशन डिसाइड किया, एंड देन क्या किया इसका फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट है। ओके ये पहला इसका हमें जो फाइंड करना है यहाँ पे, इट नेवर बी इक्वल टू जीरो दैट डिटरमिनेंट। ओके जो डिटरमिनेंट है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हुआ तो हम क्या आगे का सम नहीं सॉल्व करेंगे। ओके रूल है, एंड देन क्या हमें माइनर फाइंड करना है, अगर क्या डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। उसके बाद को फैक्टर, ये हमारा सेकेंड स्टेप, एंड देन दिस थर्ड स्टेप, उसके बाद को फैक्टर का मैट्रिक्स, यहाँ पे फोर्थ स्टेप, बाद में लास्ट हमारा मेन एड जॉइंट। ओके यहाँ पे फिफ्थ स्टेप, एंड देन लास्ट में हमें क्या करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करना है, हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलिए क्या हमने किया यहाँ पे, अभी फर्स्ट वाला किया 2x2 था। ओके ये क्या था 2x2, और इसका सब क्वेश्चन 2 भी कितने का है 2x2 का। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे थर्ड वाला करते हैं जो कि थोड़ा से डिफरेंट है, वो 3x3 का, उसमें 9 एलिमेंट्स है। ओके यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमें गिवन मैट्रिक्स ए दिया गया है। ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इसका पोजीशन हमने लिख लिया, एंड देन क्या इसका हम करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फर्स्ट स्टेप फाइंड करेंगे। ओके आइए डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें क्या है गिवन मैट्रिक्स, उसे हम लिखेंगे 1 0 0 3 3 0 5 2 एंड देन -1। ओके अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम जैसे माइनर फाइंड करते हैं इसमें का ना, वैसे ही हमें कुछ स्टेप्स है जो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। पहले यहाँ पे क्या साइन लगा लेते हैं, ये हमेशा प्लस में रहेगा और ये ज़ीरो माइनस में, एंड देन क्या ये प्लस में रहेगा। ओके यहाँ पे क्या है इसका डिटरमिनेंट 3x3 में जो कि 9 एलिमेंट है उसको फाइंड करने का स्टेप। ओके आपने इसे क्या किया, 9th में भी किया है, यहाँ पे भी आप यहाँ पे सॉरी आपने 11th में किया। ओके यहाँ पे क्या नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है 1 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे 3 into, देखिए पहले आप किसका निकाल रहे हैं फर्स्ट, एंड देन यहाँ पे 3 into -1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ओके तो ज़ीरो का क्या, यहाँ पे ज़ीरो देखिए यहाँ पे क्या है पहले माइनस है, एंड देन ज़ीरो का निकालते ज़ीरो का यहाँ पे हो जाएगा 3 into -1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा यहाँ पे,
एंड देन 5 × 0 का 0 हो जाएगा, ओके 0। एंड देन हम क्या करेंगे अब इसके, ये प्लस 0, यहाँ पे थर्ड का निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या देखिए 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एंड देन 5 × 3 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था पहले का, कैसे हमने यहाँ पे 3 × -1 एंड देन क्या 3 × 0 करेंगे तो हमें 0 मिलता है, ओके। तो यहाँ पे उसको माइनस करने पे भी हमें -3, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट लिखा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, 0 अगर रहता है, आपको ध्यान देना है ये भी एक ट्रिक की तरह है, ओके। अगर आप यहाँ पे 0 देखते ऊपर और उसका क्या करते यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालते, तो हमको पता है हम जो भी निकालेंगे यहाँ पे उसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 0 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको तो 0 ही मिलने वाला है ना, मतलब क्या यहाँ पे इनका कोई वैल्यू हमें नहीं मिलेगा, ये 0 रहेगा, ओके। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या देखिए 1 × -3 कितना होगा, -3, ओके। तो यहाँ पे क्या प्लस, अगर देखिए हमें यहाँ पे करते हैं इसका तो हमें -3 डायरेक्ट मिलता है, सिंपल। तो यहाँ पे हमें इसका डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट कितना मिल गया, -3 मिल गया, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे हमें इसका माइनर फाइंड करना है, देन को फैक्टर यहाँ पे 3/3 का है, ओके। तो यहाँ पे क्या 9 एलिमेंट्स, 9 माइनर निकालने पड़ेंगे और 9 को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ओके। चलिए करते हैं यहाँ पे M11, ओके। पहले हम क्या पूरा लिख लेते हैं जैसे हमने पीछे लिखा था, इससे हमें क्या होगा एक भी छूटेगा नहीं, ओके। यहाँ पे स्टेप में प्रॉब्लम हमें नहीं होगा। M13, M21, M22, M23, M31 एंड देन M32, M33, ओके। यहाँ पे क्या इक्वल, एंड देन क्या करना है हमें यहाँ पे देखिए इसका हमें 3/3 में जो माइनर हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे हमने जैसे ही फाइंड किया हाइड करके वैसे ही करना हमने सीखा है। चलिए इसका फटाफट माइनर फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे 3 × -1 -3, यहाँ पे ये 0, तो -0, ओके। तो क्या होगा हमें यहाँ पे 3 मिल जाएगा, एंड देन यहाँ पे इसका 3 × -1 -1 5 × 0, तो यहाँ पे भी इसका क्या हो जाएगा हमें -3 मिल जाएगा, ओके। अब ये यहाँ पे देखिए क्या होगा, 3 × 2 = 6 एंड देन 5 × 3 = 15 -15, तो इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, -9 मिल जाएगा, ओके। आइए नीचे वाला करते हैं, यहाँ पे A21 M21, यहाँ पे क्या देखिए यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 0 × -1 0, 2 × 0 0, ओके। हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है 0, ओके। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 × -1 -1 होगा एंड 5 × 0 करेंगे तो 0, मतलब वो माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -1, ओके। अब क्या यहाँ पे देखिए इसका थर्ड, यहाँ पे हमें 1 × 2 करेंगे तो 2 एंड देन 5 × 0 करेंगे तो 0, मतलब यहाँ पे 2 - 0 तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, M31 क्या है, रो थर्ड एंड कॉलम फर्स्ट, यहाँ पे रो थर्ड एंड देन ए कॉलम फर्स्ट, 3 × 0 0, 2 0 × 3 0, यहाँ पे 0 होगा इनका 0, ओके। 0 × 0 3 × 0 0, ओके। क्या M32 मतलब क्या, यहाँ पे रो थर्ड कॉलम सेकेंड, यहाँ पे देखते हैं इनका 1 × 0 0, 0 × 3 एंड देन 0, ओके। तो यहाँ पे हमें इनका मिल गया 0। अब इसके बाद क्या यहाँ पे लास्ट देखते हैं 3/3 रो कॉलम, ओके। यहाँ पे क्या 1 × 3 कितना होगा, 3, 3 × 0 0, तो मतलब यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 3 - 0 कितना हो जाएगा, 3, ओके। तो हमने यहाँ पे अभी क्या फाइंड कर लिया हमारा माइनर, एंड देन क्या करना है अब हमें यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टेप को फैक्टर। तो को फैक्टर मैंने क्या देखा था, इवन ऑड का रूल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए 1 + 1 करेंगे कितना होगा, 2, 2 का इवन, इवन है तो क्या होगा यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा,
यहाँ पे क्या है, जो इसके आंसर्स है उनका साइन चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे 2 + 1 कितना होता है, 3, क्या हो रहा है, ऑड। तो मतलब इनका साइंस जब को फैक्टर होगा, यहाँ पे देखिए पहले हम क्या करते हैं, ए यहाँ पे A11, A12, ओके यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं, A13, A21, A22, A23 एंड देन A31, A32, ओके। तो यहाँ पे हमें जो स्टेप है फाइंड करने का, वो फैक्टर 3/3 वाले में सेम रहेगा, ओके। बस यहाँ पे नंबर हुए बड़े, यहाँ पे क्या देखिए लास्ट का अगर देखते हैं हम, यहाँ पे 3/3, ओके, 3 3 3 3 क्या होगा, 6 हो जाएगा, 6 का इवन है, ओके। इवन मतलब क्या, जो 2 के टेबल में आते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं, ओके, 2 के मल्टीपल्स रहते हैं। और ऑड मतलब क्या, यहाँ पे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसका जो ये साइन है ना, 3 3 6 मतलब इवन हो रहा है। यहाँ पे अगर इवन होता है तो ये जो होगा एज इट इज लिखाएगा, ऑड होता है तो चेंज होगा साइन, ओके। तो यहाँ पे क्या इवन है तो क्या होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या 3 + 2 कितना होगा, 5, 5 में क्या होगा साइन चेंज, बट यहाँ पे 0 है तो 0 का एज इट इज हम लिखते हैं 0, बिकॉज द 0 हैव ओनली पॉजिटिव, इट नेवर हैव नेगेटिव साइन अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक रूल, ओके। एंड देन यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 + 3, 2 + 3 कितना होगा, 5, 5 में क्या होगा साइन चेंज होगा, यहाँ पे 2 है तो क्या पे हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, 4 मतलब क्या, यहाँ पे इसका साइन चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 इवन नंबर है, ओके। यहाँ पे -1 एज इट इज़, यहाँ पे 0 तो 0 आपको ऐसे ही देख के लिख देना है सिंपल। एंड देन यहाँ पे -9, तो यहाँ पे क्या है, 1 + 3, 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है, 4 इवन नंबर है, यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। 1 + 2, 1 + 2 कितना, 3, मतलब इसका साइन चेंज होगा, ये -3 है तो ये 3 हो जाएगा। एंड देन क्या है, यहाँ पे 1 + 1 मतलब 2, ओके। तो यहाँ पे एज इट इज लिखाएगा -3, ओके। अब यहाँ पे हमने माइनर और को फैक्टर फाइंड कर लिया, ओके। तो थर्ड स्टेप क्या है हमारा, इसी को फैक्टर का मैट्रिक्स करना, को फैक्टर का मैट्रिक्स, ओके। यहाँ पे को फैक्टर का मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे इसको एज इट इज क्या करना है, मैट्रिक्स में लिख देना है, ओके। यहाँ पे लिखेंगे AIJ इक्वल्स टू, ये क्या है, यहाँ पे देखिए हमने AIJ कैसे लिखा है, यहाँ पे आई क्या है, 1 फर्स्ट क्या है, रो है, आई फॉर रो, जे फॉर कॉलम, ओके। तो यहाँ पे क्या हम 3/3 का बनाएंगे, जिसमें हमने लिखना है 9 एलिमेंट, ओके। यहाँ पे इसके पोजीशन वाइज हम क्या इसमें पुट करेंगे, -3 3, -9 एंड देन 0, -1 -2 0 0 एंड देन दिस 3, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वो फैक्टर भी हो गया हमारा सिंपल। अब इसी का क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट, ओके। ट्रांसपोज में क्या था हमारा, रो क्या हो जाता है, कॉलम हो जाता है, और कॉलम क्या हो जाता है, रो हो जाता है, ओके। नीचे लिखते हैं यहाँ पे एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या होता है, देखिए AIJ का मतलब को फैक्टर का ट्रांसपोज, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहले 3/3 इसका ट्रांसपोज करते, ओके। तो यहाँ पे हम इसमें क्या लिखेंगे, देखिए AC का ये जो क्या है हमारा, ये रो है, और यहाँ पे एक का कॉलम है, तो कॉलम का रो कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पे क्या है, रो है तो क्या, रो का कॉलम कर देंगे, ओके। यहाँ पे देखिए क्या, 3 - 3 3 एंड -9, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3 एंड देन इसके नीचे यहाँ पे 3 एंड देन -9, ओके। इसके बाद क्या, यहाँ का है 0, 0 का यहाँ पे रो है, तो रो का कॉलम, कॉलम क्या है ऐसा, तो यहाँ पे 0 -1 एंड देन -2, ओके। यहाँ पे क्या 0 0 एंड देन 3 है, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ट्रांसपोज कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हमारा जो मेन आंसर लिखना है, ओके। तो हमें क्या फॉर्मूला याद रहना चाहिए, हमने क्या देखा था, एडजॉइंट का फॉर्मूला ए इनवर्स फाइंड करने का, ओके। हम यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, ए इनवर्स, तो इसका फॉर्मूला लिखना है, ओके, इक्वल टू 1/ डिटर्मिनेंट ए, ओके। यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट ए कितना फाइंड किया था, -3, ओके। और एंड देन फॉर्मूला है आगे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए हमारा क्या है, ये
ओके यहाँ पे चलिए पुट कर देते हैं, हमने जो फाइंड किया है यहाँ पे लिखेंगे हम ए इनवर्स इक्वल्स टू, ओके ए इनवर्स क्या है वन अपॉन क्या डिटर्मिनेंट यहाँ पे माइनस थ्री तो माइनस थ्री, उसके बाद क्या यहाँ पे थ्री बाय थ्री का यहाँ पे बना के इसको यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पुट कर दें तो हमारा क्या होगा सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा। ओके यहाँ पे चलिए हमने इनका वैल्यू भी पुट कर लिया, सिंपल। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही करना था, हमने क्या किया यहाँ पे पहले देखिए, फर्स्ट हमने क्या किया यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट, देन माइनर हमने फाइंड किया सेकंड, यहाँ पे ये फर्स्ट, ओके एंड देन क्या यहाँ पे थर्ड को फैक्टर, यहाँ पे देखिए स्टेप से जो सेम है, ओके यहाँ पे फोर्थ एडजॉइंट, यहाँ पे टू बाय टू में भी आपको ऐसा करना है, थ्री बाय थ्री में भी आपको ऐसा करना है, ओके जो स्टेप से सेम है, आपको बस यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है जिससे कि आपको आपका आंसर फाइंड होने के बाद आपको वैल्यूज पुट कर सके, ओके यहाँ पे आपका राइट हो। ओके यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो हमें आंसर राइट मिलेगा, सिंपल। आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर इसका थ्री का फोर्थ भी क्या हमें थ्री बाय थ्री का ही क्वेश्चन दिया गया, ओके आपको उसको खुद से प्रैक्टिस करना, आपको ऐसा ही सेम है बस उसमें क्या एलिमेंट्स अंदर के चेंज है, ओके आप करेंगे तो आपको आएगा, बाकी क्या सब जो स्टेप्स हो उसको आपको फॉलो करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं, सिक्स का फर्स्ट नंबर सिक्स देखते हैं, यहाँ पे दिया गया फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यहाँ पे क्या करना है हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है, बट कौन सा मेथड का यूज़ करना है वो नहीं दिया गया। देखिए हमें क्या दिया गया था पीछे एडजॉइंट मेथड यूज़ करके फाइंड करना है, ओके तो हमने क्या किया वहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो था हमारा वो देख लिया, ओके यहाँ पे हमने एडजॉइंट कर लिया, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे सेकेंड स्टेप में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते, जैसे कि इसको जो कैसा सॉल्यूशन करना है आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके तो चलिए करते, पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, पहले इसका पोजीशन लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या ए इलेवन ए ट्वेंटी वन ए ट्वेल्व एंड ए ट्वेंटी टू, ओके तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू यहाँ पे क्या गिवन क्वेश्चन एज इट इज़ वन टू टू एंड माइनस वन, ओके यहाँ पे मैट्रिक्स एज इट इज़ एंड देन यहाँ पे क्या करना है इसका हमने क्या किया था मल्टीप्लाई देखिए वन का करेंगे वन इंटू वन माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस वन मिलेगा हमें, इसके बाद इसका क्या है टू इंटू टू क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, ओके और यहाँ पे बीच में माइनस, यहाँ पे माइनस क्यों रूल, ओके इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और उसको माइनस करना है, यहाँ पे देखिए वन इंटू माइनस वन करेंगे तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा माइनस वन एंड यर माइनस फोर, यहाँ पे क्या होगा माइनस फोर माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस फाइव हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे देखिए ए डिटर्मिनेंट कितना मिल गया माइनस फाइव, ओके तो यहाँ पे क्या है इस जीरो को इक्वल नहीं है, ओके तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम ए इनवर्स इज एग्जिस्ट जैसा हमने पीछे देखा था वैसे यहाँ पे भी हमें लिखना है, ओके अब क्या हम क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम कौन सा यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, ओके तो इसका फॉर्मूला क्या था यहाँ पे लिख देते हम ए रेज इंटू ए रेज टू माइनस वन इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यहाँ पे क्या आइडेंटिटी आइडेंटिटी देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया है, ओके तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी में होता है यहाँ पे हम बना बता देते देखिए आई यहाँ पे क्या होता है ये वन रहता है और यहाँ पे ये भी वन रहता है और यहाँ पे क्या अपर एंड लोअर होते दोनों ज़ीरो रहते हैं, हमारा क्या होता है आइडेंटिटी, ओके तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम पहले यहाँ पे लिखेंगे वी हैव यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर्मूला माइनस वन यहाँ पे इक्वल टू आइडेंटिटी, देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या पता है पहले देख लेते हैं, देखिए हमें यहाँ पे आई पता है मतलब ए पता है यहाँ पे जो गिवन मैट्रिक्स है, ओके और यहाँ पे हमें आइडेंटिटी पता है यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता है और यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड करना है ए रेस टू माइनस वन मतलब ए का इनवर्स फाइंड करना है, ओके तो हमें यहाँ पे जो जो गिवन पहले वो लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यहाँ पे देखिए पहले इसे लिखेंगे यहाँ पे वन टू टू एंड देन माइनस वन इंटू ए रेस टू माइनस वन इक्वल टू और यहाँ पे क्या
1001। ओके, ये हमारा आइडेंटिटी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे 1001, यहाँ पे भी क्या करना है हमें 1001 में इसको कन्वर्ट करना है। ओके, बाय कौन सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं इसमें भी, रो का या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है, वन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वन है रो वन, यहाँ पे देखिए क्या है, रो फर्स्ट है, रो फर्स्ट है। ओके, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, टू का मल्टीप्लाई करते, देखिए रो फर्स्ट चेंजेस टू, यहाँ पे रो सेकंड में चेंजेस करना है ना, यहाँ पे ज़ीरो क्या है, रो सेकंड चेंजेस टू रो फर्स्ट, यहाँ पे रो टू लिखेंगे पहले, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए रो टू। ओके, जो यहाँ पे पहले लिखे रहेंगे वो यहाँ पे भी पहले रहेगा। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें टू का मल्टीप्लाई करेंगे, टू इंटू रो वन, तो चेंजेस किस में होगा, यहाँ पे रो सेकंड में। ओके, इसमें होगा तो इसमें भी चेंजेस होगा। ओके, आपको याद रखना दोनों में साथ में चेंजेस करते रहना है, सिंपल। यहाँ पे पहले हम नीचे ब्रैकेट बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये रहेगा, देन यहाँ पे एरेस टू माइनस वन इक्वल्स टू दिस आइडेंटिटी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, चेंजेस किस में करना है, आर टू में करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो जिसमें चेंजेस नहीं करना है उसको हम पहले यहाँ पे नीचे एज इट इज़ लिख लेते हैं, जिससे क्या होगा, हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम आर वन को लिख लेते हैं, आर वन रो फर्स्ट, यहाँ पे क्या वन टू एंड वन ज़ीरो। ओके, यहाँ पे क्या करना है, देखिए आर टू चेंजेस टू आर टू, आर टू यहाँ पे कितना, पहले फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे टू माइनस क्या टू, पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस टू आर वन, जिससे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे आर टू कितना है, आर टू में आर टू टू है, माइनस है यहाँ पे टू है, यहाँ पे आर वन ऊपर का कितना है, वन है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे टू इंटू वन कितना हो जाएगा, टू ही हो जाएगा। ओके, टू माइनस टू कितना होगा, ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो, क्योंकि चेंजेस कितने हमें करना है, आर टू में करना है। इसके बाद यहाँ पे माइनस वन, आर टू का माइनस वन एंड देन माइनस यहाँ का टू, पहले टू एंड देन वहाँ का टू लिखते हैं आर वन का, यहाँ पे क्या टू टू सा फोर, फोर माइनस यहाँ पे माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे भी हमने किया था, यहाँ पे सेम आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस फाइव ही होगा। ओके, तो यहाँ पे माइनस फाइव लिख देंगे, और यहाँ पे भी सेम चेंजेस करना है जैसे हमने यहाँ पे आर टू में, यहाँ पे भी सेम। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी सेम क्या होगा, यहाँ का ये फर्स्ट लिखाएगा, इसकी जगह समझिए ये है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे हम वापस एक बार लिखते फॉर्मूला, आर टू, आर टू माइनस आर वन। ओके, इसका सॉल्यूशन के लिए, तो यहाँ पे क्या है, आर टू का पहला ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पे ज़ीरो माइनस एंड देन यहाँ पे यहाँ का टू, यहाँ का ये वन। ओके, तो यहाँ का ये वन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, टू इंटू ज़ीरो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस टू का एज इट इज़ माइनस टू ही आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस टू लिखेंगे, सिंपल। और इसके बाद यहाँ पे वन का होगा, यहाँ पे देखिए ये वन, यहाँ पे वन माइनस यहाँ का टू, यहाँ पे टू, यहाँ का ये ज़ीरो, ज़ीरो टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो, वन क्या होगा, माइनस होगा, तो क्या यहाँ पे आएगा, वन आएगा सिर्फ। ओके, यहाँ पे वन एज इट इज़, सिंपल। तो आपने देखा हमने कैसे फाइंड किया, और यहाँ पे देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला नहीं है, ये आपको बनाना है। ओके, यहाँ पे आपको स्टेप्स फॉलो करके ऐसे बना के आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ओके, और यहाँ पे जो चेंजेस होगा वो हमें करते जाना है, उसका टेंशन नहीं लेना, वो चाहे अपॉन में आए, सिंपल। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं, हमने क्या कर लिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, वन ज़ीरो हो गया, वन ज़ीरो। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये क्या करना है, इसको ज़ीरो करना और इसको वन करना है।
अब हम क्या करेंगे, इस जो माइनस फाइव है ना, इसका क्या करेंगे हम, यहाँ पे रो टू में ये हमारा क्या है, रो टू, इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, रो टू का में किसका डिवाइड करेंगे, वन अपॉन सॉरी माइनस फाइव का, माइनस फाइव का। तो यहाँ पे करते हैं हम, चलिए बट यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे वो हम लिख लेते हैं, हमारा जो मन से हम फॉर्मूला बनाते यहाँ पे चेंज करने के लिए। देखिए अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस फाइव को माइनस वन अप माइनस फाइव से डिवाइड करते तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। हमें यहाँ पे कितना चाहिए था, इस पोजीशन पे वन चाहिए था, तो हमें वन मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखेंगे आर टू अपॉन इसको इसके यहाँ पे माइनस फाइव से। ओके, तो चेंजेस क्या होगा, दोनों आर टू में होगा, यहाँ पे इसमें भी और इसमें भी, सिंपल। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें एज इट इज लिखना है उसे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ए रेस टू माइनस वन इक्वल्स टू, एंड देन यहाँ पे क्या आर टू में करना है, तो आर वन हमें एज इट इज लिख लेना है। यहाँ पे लिखेंगे वन टू, यहाँ आगा वन एंड ज़ीरो। देखिए क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो अपॉन माइनस फाइव, इसका तो क्या होगा, हमें ज़ीरो ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे ज़ीरो, एंड देन यहाँ पे माइनस फाइव क्या होगा, माइनस फाइव अपॉन माइनस फाइव कितना होगा, वन। ओके, यहाँ पे वन मिलेगा, तो यहाँ पे वन, एंड देन यहाँ पे देखिए माइनस टू अपॉन माइनस फाइव, यहाँ पे माइनस और ये माइनस कट जाएगा, टू अपॉन फाइव मिलेगा। तो यहाँ पे आई एम ऐसे लिखेंगे, टू अपॉन फाइव यहाँ पे इस ब्रैकेट में, ओके, इस मैट्रिक्स में, एंड देन क्या यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे क्या होगा, वन अपॉन माइनस फाइव, तो यहाँ पे क्या होगा, वन अपॉन माइनस फाइव हम ऐसे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हमें चेंजेस जो करने थे हमने कर लिए, सिंपल। यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ का हमने यहाँ पे हमने क्या क्या चेंजेस किए, तो वो हमने यहाँ पे लिखा था, एंड देन यहाँ का हमने यहाँ पे। ओके, तो एंड देन क्या नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा रहेगा, हमने तो यहाँ पे इसको वन कर लिया। ओके, तो यहाँ पे वन हो गया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको टू को क्या करना है, ज़ीरो। ओके, टू को ज़ीरो कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे भी टू था, इसको हमने ज़ीरो किया, तो वैसे ही हम सेम स्टेप लेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखते हैं चेंजेस इसमें करना है, पहले यहाँ पे आर वन में, ओके, यहाँ पे इसको ज़ीरो करना है, लिखेंगे यहाँ पे आर वन चेंजेस टू आर वन माइनस, इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे वन को, टू आर टू। ओके, तो आर वन में करना, पहले हम क्या करते हैं, आर वन आर टू को यहाँ पे नीचे एज इट इज लिख लेते हैं, आर टू को एज इट इज यहाँ पे ज़ीरो वन, यहाँ पे इनवर्स इक्वल्स टू, यहाँ का भी आर टू ऐसे ही। ओके, यहाँ पे आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, यहाँ पे वन टू वन ज़ीरो करते चेंजेस हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसे ब्लैक पेन से लिखते हो उसे, जिससे हमें और क्लियर होगा, क्या है आर वन माइनस टू आर टू, यहाँ पे कितना है, देखिए आर वन क्या है, यहाँ पे आर वन का फर्स्ट वन, ए वन है माइनस, यहाँ पे नीचे क्या आर टू में, यहाँ का टू और ये आर टू कितना है, ज़ीरो। ओके, तो ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही आएगा, तो यहाँ पे लास्ट में क्या वन हमें मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन एज इट इज़ लिख देंगे, एंड देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे टू, टू का क्या होगा, देखिए आर वन कितना है, यहाँ पे वन है, ओके आर वन सॉरी यहाँ पे ऊपर टू माइनस ना टू इंटू आर टू, यहाँ पे कितना है वन, तो क्या होगा, टू माइनस टू होगा तो ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। एंड देन क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, अब इसका हमने इसका कर लिया, अब इसका क्या होगा, यहाँ पे पहले क्या आर वन माइनस आर टू, आर वन कितना है वन है, माइनस टू आर टू कितना है, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखना है टू। ओके,
यहाँ देखिए टू, और इसका क्या होगा यहाँ पे देखिए, पहले क्या करेंगे यहाँ पे देखते हैं हम, इसे ऐसे लिखते हैं वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे टू अपॉन ऐसे, ओके। तो यहाँ पे देखिए कौन सा साइन है, क्या टू, यहाँ पे कोई नहीं, मतलब यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस नहीं दिया गया, मतलब प्लस, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टू प्लस टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर, यहाँ पे कितना हो गया वन, फोर अपॉन फाइव। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई समझिए, यहाँ पे वन है, ओके, अकॉर्डिंग टू मैक्स रूल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव इंटू वन, फाइव माइनस फोर अपॉन, यहाँ पे भी फाइव, ओके, फाइव इंटू वन फाइव, यहाँ पे कितना हो जाएगा वन अपॉन फाइव। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, वन अपॉन फाइव, ओके, हमने यहाँ पे ये फाइंड कर लिया। अब चलिए यहाँ पे ये सेकेंड फाइंड करते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया, ज़ीरो माइनस कितना है, माइनस वन अपॉन फाइव, माइनस वन अपॉन, यहाँ पे नीचे लिखते हैं फाइव, ओके, यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई है। यहाँ पे आपको अभी ध्यान से देखना है, इस माइनस वन का और इस माइनस टू का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो यहाँ पे माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू प्लस, यहाँ पे ये ज़ीरो और यहाँ पे नीचे, इसके नीचे फाइव। देखिए अगर यहाँ पे वन रहता, समझिए जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे फाइव हो जाता, ओके, बट यहाँ पे ज़ीरो, तो ज़ीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो, ओके। तो यहाँ पे इतना ही हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू अपॉन फाइव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे इसको ऐसे, टू अपॉन फाइव। तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने, हमारा पूरा सॉल्यूशन कर लिया, कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है, ये किसका है, आइडेंटिटी का, यहाँ पे ये आइडेंटिटी हमने देखा था। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, वन ज़ीरो ज़ीरो वन, वन ज़ीरो वन से ज़ीरो वन में क्या कर लिया हमने, कन्वर्ट कर लिया, ओके। तो हमारा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपको लास्ट में आप कैसे लिखना है, इसका जो आंसर आपको लिखना है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको एक है बोथ आर इक्वल, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, आई मिल गया, ओके। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखिए आई इंटू ए रेज टू माइनस वन इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें कितना मिला था आंसर हमारा, वन अपॉन फाइव, टू अपॉन फाइव एंड नीचे टू अपॉन फाइव एंड यहाँ पे माइनस वन अपॉन फाइव मिला था। अब इसको नीचे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या आई हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको एज इट इज़ हमें लिखना है, ओके, वन अपॉन फाइव, टू अपॉन फाइव, टू अपॉन फाइव, ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ तक हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या हमने अभी फर्स्ट वाला कर लिया सिंपल, जो हमारा क्वेश्चन सब क्वेश्चन टू है, क्वेश्चन नंबर सिक्स का, वो भी टू बाय टू का है, ओके। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हो, क्या डिफरेंट है, वो अलग क्वेश्चन हो गया थ्री बाय थ्री का, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फाइव में किया था, ओके। क्वेश्चन थ्री देखते हैं, यहाँ पे थ्री बाय थ्री का दिया गया है, ओके। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ओके। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करके देख लेते हैं फटाक से, अगर यहाँ पे ज़ीरो रहेगा तो हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ओके। ज़ीरो आता नहीं है तो हमें आगे करना है सॉल्व सिंपल। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे ये प्लस, ओके। चलिए ज़ीरो का निकलते, देखिए मैंने आपको ज़ीरो का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, तो ज़ीरो का क्या करेंगे, हम ज़ीरो का निकालेंगे बट ज़ीरो के बाद में उसके बाद मल्टीप्लाई भी करना, तो क्या होगा, ज़ीरो ही होने वाला है, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ज़ीरो का पहले यहाँ पे क्या, टू वन जा कितना होगा, टू होगा, देन थ्री वन जा थ्री, थ्री टू माइनस थ्री करेंगे माइनस वन, बाद में क्या करेंगे, ज़ीरो से मल्टीप्लाई तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हमारा पहला निकला था, ज़ीरो माइनस वन निकला था, ओके। यहाँ पे माइनस एंड देन यहाँ पे ये हाइड, यहाँ पे क्या वन है तो वन पहला लिख लेते, यहाँ पे हाइड करते इसे, वन इंटू वन, वन थ्री थ्री ज़ा नाइन, तो क्या होगा यहाँ पे वन माइनस नाइन एंड देन यहाँ का ये प्लस, ये यहाँ पे टू और यहाँ पे क्या दिया गया देख लेते, वन वन ज़ा वन, यहाँ पे वन, थ्री टू ज़ा सिक्स, वन माइनस सिक्स, ओके।
इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ओके। और इसका क्या होगा, 1 माइनस 9 क्या होगा, माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8 इंटू माइनस 1 क्या होगा, प्लस 8 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे देखिए 1 माइनस 6 कितना होगा, माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5 और इंटू 2 करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, प्लस 8 माइनस 10 कितना होता है, माइनस 2, ओके, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। एक है 0 को इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ओके। आपको ऐसे यहाँ पे नीचे लिखना, मैं आपको यहाँ पे हमें एक पेज में या फिर टू पेज अंडर सॉल्यूशन हो जाए, जिससे हम कम जगह में हम समझ सके इजीली, ओके। यहाँ पे इसलिए हमने ऐसे किया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वी हैव, क्या था फॉर्मूला, हम उसे लिखेंगे यहाँ पे। देखिए फॉर्मूला लिखते हैं क्या है, ए यहाँ पे क्या डॉट माइनस 1 इक्वल्स टू आई, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या होता है, आई क्या होता है, यहाँ पे हमने बताया था आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इसमें कैसा होगा, 3/3 का होगा, ओके। हमने बहुत बार देखा है, फिर से देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0, यहाँ पे क्या होगा 0 0 1। तो यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, एक टिक भी बता देता हूँ, जिससे क्या होगा सॉल्यूशन में हमको इजी हो जाएगा, ओके। यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे हम वहाँ पे 1 का यूज़ करके बाकी सबको क्या कर रहे थे, 0 और 1 कर रहे थे, ओके। वहाँ पे हमने बट 0 किया था सबको, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको 1 कन्वर्ट करेंगे, जो हमें गिवन क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको 1 करेंगे, एंड देन उसके बाद इसी को यूज़ करके इसको और इसको क्या करेंगे, 0 में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे ये जो 2 है इसको 1 कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको यूज़ करके इन दोनों को 0 करेंगे, ओके। यहाँ पे ये जो 1 1 है, जैसे हमारे फॉर्मेट बनता जाएगा, एंड देन यहाँ पे इसको 1 करके, यहाँ पे देखिए पहले से 1 दिया गया है, तो हम क्या कर लेंगे, इनको 0 में कर लेंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिखते हैं ए पहले क्या दिया गया, इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है हमें। देखिए यहाँ पे थोड़ा लेंदी होगा, बट क्या सॉल्यूशन हम जाएंगे तो इजी होगा, बट इट लेंदी, ओके। यहाँ पे 2 3 1, अब क्या इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या आइडेंटिटी लिख लेते हैं यहाँ पे, आई आई क्या यहाँ पे हमने बताया था अभी 1 0 0 1, यहाँ पे 0 1 0 और यहाँ पे 0 0 1, ओके। यहाँ पे 0, अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए हमने 1 का यूज़ करना है, मतलब क्या यहाँ पे इसको 1 करना है। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको 1 करने के लिए क्या ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए अगर चेंज करना का इसमें R1, यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे R1, चेंजेस करना है इसमें R1, क्या करेंगे यहाँ पे भी 1 है, तो क्या करते हैं इन दोनों को ऐड, मतलब क्या R1 प्लस R2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे चलिए नीचे लिखते हैं, यहाँ पे पहले क्या करते हैं ब्रैकेट बना लेते हैं, इक्वल्स टू इनवर्स यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे ब्रैकेट, ओके। चेंजेस हमें किस में नहीं करना, उसको हम डायरेक्ट लिख लिए यहाँ पे, हमें R2 एंड R3 में चेंजेस नहीं करना, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे नीचे एज इट इज़ लिख लेते हैं, इसको चेंज करना उसको बाद में लिखेंगे चेंज करके, ओके। यहाँ पे क्या दिया गया, 1 2 3 0 1 एंड 0, और यहाँ पे क्या है 3 1 1, यहाँ पे 0 0 एंड यहाँ पे 1, ओके। चलिए चेंज कर लेते हैं, हमें इन दोनों में चेंज करना है, ओके, यहाँ पे इसमें भी और यहाँ पे इसमें भी 3/3 वाले में, ओके। चलिए क्या करते हैं, R1 प्लस R2, यहाँ पे 1 0 को ऐड करेंगे 1, यहाँ पे 1 2 को ऐड करेंगे 3, 2 3 को ऐड करेंगे तो 5, और यहाँ पे 1 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, ओके। एंड देन हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को 0 करना है, इसको यूज़ करके यहाँ पे 1 को यूज़ करके, जो कि हमने यहाँ पे 1 पा लिया है, ओके। तो यहाँ पे हम चेंज करने के लिए नीचे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 1 है, ओके। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे R2 माइनस R1 कर देंगे, इससे क्या होगा 1
माइनस वन हो जाएगा ज़ीरो, जिससे हमें क्या कहना चाहिए था यहाँ पे ज़ीरो तो हमें मिल जाएगा। ओके, और क्या करेंगे यहाँ पे थ्री को ज़ीरो करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री माइनस, क्या करेंगे यहाँ पे थ्री का मल्टीप्लाई कर देंगे वन में जाके, यहाँ पे थ्री हो जाएगा और इन दोनों का माइनस कर देंगे जिससे हमें क्या मिल जाएगा ज़ीरो मिल जाएगा। ओके, तो हमने ओरली देख लिया, चलिए रिटर्न करते हैं यहाँ पे फटाक से, लिखते हैं यहाँ पे आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री माइनस आर वन। ओके, एंड देन इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या करना है आर टू और आर थ्री में चेंजेस करना है, तो आर वन को पहले एज इट इज़ नीचे लिख लेते हैं यहाँ ब्रैकेट एंड देन ये यहाँ पे इनटू यहाँ पे देखिए हमने दिया था एंड देन यहाँ पे इक्वल्स टू यहाँ पे ब्रैकेट। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या करना है नेक्स्ट, इसे हमें चेंज जो करना है वो लिखते हैं। पहले क्या करते हैं आर वन यहाँ पे क्या है आर टू और आर थ्री में करना है, तो आर वन को एज इट इज़ लिख लेते वन थ्री फाइव वन वन ज़ीरो। ओके, चलिए यहाँ पे करते हैं आर टू, यहाँ पे आर टू माइनस आर वन, आर टू का यहाँ पे वन है एंड माइनस आर वन यहाँ पे वन है, तो वन माइनस वन करेंगे तो ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पे हमें अब ज़ीरो भी मिल गया एंड देन यहाँ पे टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री करेंगे तो कितना होगा माइनस कितना मिल जाएगा माइनस वन मिल जाएगा। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या होगा थ्री माइनस फाइव, थ्री माइनस फाइव करेंगे तो देखिए थ्री माइनस फाइव कितना माइनस टू मिल जाएगा हमें, यहाँ पे माइनस टू लिख देंगे एंड देन यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे चेंजेस करते हैं अब हम, यहाँ पे क्या है ज़ीरो माइनस थ्री क्या है आर टू माइनस आर वन, तो ज़ीरो माइनस वन, ज़ीरो माइनस वन करेंगे तो कितना होगा ज़ीरो ही होगा। ओके, तो यहाँ पे ज़ीरो सिंपल, सॉरी हमने यहाँ पे क्या किया अभी ज़ीरो माइनस वन करेंगे तो यहाँ पे माइनस वन होगा। ओके, क्या होगा यहाँ पे माइनस वन होगा एंड यहाँ पे क्या वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, चल क्या ज़ीरो माइनस ज़ीरो कितना होगा ज़ीरो हो जाएगा। ओके, एंड क्या करना है अब हमें यहाँ पे आर थ्री में चेंजेस करने। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं अब हम क्या करना है आर थ्री माइनस, आर थ्री को माइनस करना है किससे, यहाँ पे देखते हैं आर थ्री माइनस आर थ्री माइनस आर थ्री आर वन। ओके, तो यहाँ पे हमें आर वन को क्या करना है थ्री से मल्टीप्लाई करना है देन आर थ्री से माइनस करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है आर थ्री यहाँ पे क्या होगा वन का थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे थ्री थ्री माइनस होगा तो कितना हो जाएगा ज़ीरो। ओके, तो यहाँ का हमें अब ज़ीरो भी मिल गया। ओके, एंड देन अब यहाँ पे ये वन है, यहाँ पे क्या आर थ्री वन है माइनस यहाँ पे थ्री इंटू थ्री कितना होगा नाइन। ओके, यहाँ पे क्या वन माइनस नाइन कितना हो जाएगा माइनस एट हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस एट। अब क्या है यहाँ पे वन है, यहाँ पे क्या फाइव, तो यहाँ पे फाइव है यहाँ पे क्या थ्री, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे वन से माइनस, तो फाइव थ्री था फिफ्टीन माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस फोर्टीन मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस फोर्टीन लिखेंगे सिंपल, एंड देन अब क्या होगा यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे भी हमें वही चेंजेस करना है, यहाँ पे आर थ्री यहाँ पे क्या वापस से हम लिख लेते आर थ्री आर वन, यहाँ पे क्या आर थ्री का पहला है ज़ीरो माइनस ए थ्री, यहाँ पे आर वन का ये वन, तो क्या होगा ज़ीरो माइनस थ्री करेंगे यहाँ पे इनका तो मल्टीप्लिकेशन वन होगा, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमको माइनस थ्री मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या ज़ीरो वन है तो यहाँ पे भी ज़ीरो वन, तो यहाँ पे भी इसका सेम चेंजेस होगा तो यहाँ पे भी वही होगा सिंपल। और यहाँ पे क्या होगा देखिए वन है यहाँ पे आर थ्री एंड देन यहाँ पे क्या ये ज़ीरो है। ओके, तो थ्री इंटू ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो होगा, यहाँ पे माइनस ज़ीरो का कितना वन आएगा, तो यहाँ पे ये वन। ओके, तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन हो गया, अभी क्या करना है नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है यहाँ पे देखिए हमें क्या करना था, पहला हमने कॉलम क्या कर लिया यहाँ पे ज़ीरो कर लिया। ओके, जो हमें कॉलम पहले में करना था चेंजेस वो हमने यहाँ पे कर लिया सिंपल। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको वन करेंगे जिसके थ्रू हम इन दोनों को ज़ीरो कर सकें, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको वन करने के लिए हम क्या कर देंगे आर टू में देखिए आर टू में क्या कर देंगे
माइनस वन का मल्टीप्लाई कर देंगे ओके आर टू में, जिससे क्या होगा ये चेंजेस में यहाँ इनका माइनस हट जाएगा ओके इनमें भी हमें सेम करना है ओके। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते पहले ब्रैकेट बना लेते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ इंटू ए रेज टू माइनस वन इक्वल टू दिस ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमें चेंजेस किस में करना है, आर टू में, आर टू के अलावा जो आर वन और आर थ्री उसको हम पहले एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे वन थ्री फाइव वन वन ज़ीरो, और यहाँ पे थर्ड रो ज़ीरो माइनस एट एंड माइनस फोर्टीन माइनस थ्री वन ओके। अब क्या यहाँ पे इनमें माइनस वन का करेंगे तो मल्टीप्लाई के बाद ज़ीरो माइनस वन करेंगे तो ज़ीरो ही होगा, एंड देन क्या होगा यहाँ पे माइनस वन इंटू माइनस वन क्या होगा प्लस वन होगा, यहाँ पे वन, यहाँ पे क्या होगा माइनस वन इंटू माइनस टू करेंगे तो कितना, देखिए माइनस वन इंटू माइनस टू, माइनस माइनस क्या होगा कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे टू हो जाएगा। एज इट इज़ यहाँ पे भी क्या होगा माइनस वन यहाँ पे क्या हुआ था वन, तो यहाँ पे भी वन, यहाँ पे क्या जीरो से सन मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही आने वाला है ओके। तो हमें क्या करना था यहाँ पे, देखिए वन लाना था, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया वन ला दिया अब ओके। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस वन का यूज़ करके इन दोनों को ज़ीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे चलिए देखिए। यहाँ पे देखते पहले इस थ्री को क्या कर देंगे ज़ीरो, कैसे यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, चेंज किस में होगा आर वन में, यहाँ पे लिखेंगे आर वन चेंजेस टू आर वन माइनस क्या करेंगे आर टू में थ्री है तो थ्री का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ का वन इसको ज़ीरो कर देगा ओके। तो यहाँ पे क्या आर टू में थ्री का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा थ्री हो जाएगा, तो जिससे यहाँ पे ये माइनस करेंगे ज़ीरो हो जाएगा ओके। एंड देन क्या करेंगे यहाँ पे हमें करना है इसको भी ज़ीरो करना है, माइनस एट दिया गया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम प्लस का एट का चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे आर थ्री में चेंज करना, तो आर थ्री लिखेंगे आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री प्लस, यहाँ पे माइनस में तो ये प्लस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे प्लस में था ये हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया था ओके चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एट आर टू ओके। चलिए नीचे करते आप समझ जाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट बना लेते पहले, एंड देन यहाँ पे चेंज इसमें करना आर वन आर थ्री में, तो हम क्या करते हैं आर टू को पहले जो हमारा आर टू है उसे हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेते हैं ज़ीरो वन टू वन ज़ीरो ज़ीरो ओके। आर वन क्या हमारा यहाँ पे वन है क्या, थ्री इंटू आर टू यहाँ पे क्या ज़ीरो, ज़ीरो को किसी मल्टीप्लाई करो तो वो क्या था ज़ीरो ही रहता ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन हो जाएगा ओके। एंड देन क्या यहाँ पे वन है, वन क्या है आर टू का वन, यहाँ पे क्या करेंगे इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ का ये देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे और इज होगा आर वन माइनस, यहाँ पे कितना है देखिए आर वन कितना है यहाँ पे थ्री, ये ऊपर का थ्री, देन माइनस यहाँ पे थ्री आर टू का हमारा ये वाला वन, कितना जाएगा थ्री इंटू वन थ्री हो जाएगा, देन थ्री माइनस थ्री कितना होगा ज़ीरो ओके। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ज़ीरो, यहाँ का देखिए यहाँ का मैच अभी हो रहा है ना ज़ीरो ज़ीरो ओके। अब क्या करते हैं यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या दिया गया, अभी हमारा चाहिए टू, यहाँ पे टू माइनस थ्री, सो यहाँ पे ऊपर का आर वन का लेना था हमें फाइव लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम फाइव माइनस थ्री, यहाँ पे टू है तो यहाँ पे टू लिखेंगे ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए सिक्स माइनस यहाँ पे थ्री टू जै सिक्स, और यहाँ का ये फाइव, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे माइनस वन ओके। यहाँ पे देखिए हमने कैसे किया, पहले हमने यहाँ पे आर वन की वैल्यू पुट की यहाँ पे फाइव ओके माइनस थ्री, यहाँ पे आर टू की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिली थी टू मिली थी, टू पुट किया देन यहाँ पे हमें इनका माइनस देन माइनस वन, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस वन ओके। एंड देन यहाँ पे क्या आइए ये देखते हैं, अब हमें क्या इसमें भी कौन सा ये ट्रांसफॉर्मेशन करना आर वन में, यहाँ पे हम वापस से लिखते हैं पहले कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए ओके, बिकॉज यहाँ पे देखिए आपको अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न होता है तो उसको करेक्शन करना है, नहीं तो आपका आगे जो आंसर आने वाला पूरा वो गलत हो जाएगा
ओके तो यहाँ पे क्या, अभी हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे आर वन कितना है 1, एंड देन यहाँ पे माइनस आर टू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 3 इंटू 1 क्या माइनस 3 एंड यहाँ पे ये, तो क्या होगा माइनस 2 आंसर आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखा आएगा माइनस 2, ओके एंड देन यहाँ पे क्या 1, और 1 का क्या करेंगे यहाँ पे देखिए फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे 1, यहाँ पे 0 क्या आर टू का वैल्यू, मतलब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आने वाला है, ओके तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 0, तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे 1 मिलेगा सिर्फ, ओके यहाँ पे 1 एंड देन यहाँ पे 0 इंटू यहाँ पे देखिए हम कुछ भी करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, क्यों देखिए यहाँ पे आर वन का वैल्यू कितना है 0, यहाँ पे क्या 0 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से तो 0 मिलेगा, ओके तो यहाँ पे हमें 0, तो यहाँ पे ये 0 सिंपल। आइए हमने यहाँ पे देखा ये वाला देख लिया, एंड देन आप ये देखते इसमें क्या हमें चेंजेस करना है। आर थ्री, आर थ्री में यहाँ पे देखिए फर्स्ट आर थ्री प्लस किसके साथ प्लस करना है, यहाँ पे हमारा ये आर थ्री है, ओके इसको प्लस करना है बट विद अ मल्टीपल ऑफ 8, ओके करते हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे फर्स्ट 0 आर थ्री यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे इसको 0 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ना 0 ही आने वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस ऐड के बाद भी 0 ही मिलेगा, ओके यहाँ पे क्या होगा 1 है तो 8 इंटू 1 क्या होगा 8 होगा, प्लस 8 माइनस 8 कितना मिलेगा हमें 0 मिलेगा, तो 0 ओके देन यहाँ पे क्या होगा ये माइनस 14 रहेगा ऐसे एज इट इज़ वैल्यू आर थ्री एंड देन यहाँ पे 2, अब 2 का क्या होगा यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा यहाँ पे 16 प्लस यहाँ पे 14, माइनस 14 प्लस 16 कितना होता है, कितना होगा इनका डिफरेंस 2 का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, ओके इनका डिफरेंस कितना है 2 का तो 2 लिखेंगे एंड देन यहाँ पे आइए यहाँ का देखते हैं इस कॉलम का, यहाँ पे देखते हैं इस रो में क्या है आर थ्री हमारे इसमें चेंजेस सेम करना है वही यहाँ पे हमने पहले किया, अभी यहाँ पे क्या देखिए आर टू में क्या करना है 8 का मल्टीपल माइनस 3 है, माइनस थ्री यहाँ पे क्या था ऐड करना है प्लस यहाँ पे कितना 1, तो 1 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 8 ही होगा, ओके तो यहाँ पे माइनस 3 प्लस 8 कितना होगा हमें मिलेगा 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ओके इसके बाद क्या है यहाँ पे माइनस 3 यहाँ पे क्या होगा इसका ऊपर रो टू में इसका मल्टीप्लाई होगा 8 का, तो 8 का यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रह जाएगा और यहाँ पे माइनस 3 वो नीचे आ जाएगा, ओके माइनस 3 देखिए कैसे हमने किया यहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या किया माइनस 3 पहले एंड देन 0 इंटू यहाँ पे 8, अब 0 इंटू 8 करेंगे कितना होगा 0 ही होने वाला है, माइनस 3 हमें क्या मिल गया आगे आ गया माइनस 3, ओके एंड इसके बाद क्या यहाँ पे 1, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 था तो 0 गया था इस मल्टीपल के बाद, तो यहाँ पे भी 0, जैसे यहाँ पे 3 है वैसे यहाँ पे 1 आ जाएगा, ओके सॉल्यूशन के बाद आपको ऐसे सब सॉल्यूशन करके देखने हैं, ओके तो इसके नेक्स्ट हमें क्या करना है देखना है, अभी हम क्या देखते हैं मैच हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे 100 100 मैच हो गया 010 010 यहाँ पे 001, तो यहाँ पे आप क्या करना है हमें चेंज करना है, यहाँ पे देखिए ये 2 है, 2 को क्या करना है पहले हमें फॉर्मेट वाइज यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे वाला 2 यहाँ पे ये 1 में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर पाएंगे यहाँ पे इसको 2 को कन्वर्ट क्या कर देंगे 1 कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए, अगर इसी 2 को हम क्या करते हैं 2 है जैसे हमने क्या किया था माइनस 5 था तो माइनस 5 से डिवाइड कर दिया था, वैसे 2 है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे 1, ओके तो हमें क्या मिल जाएगा 1, तो 1 का यूज़ करके हम क्या करेंगे ऊपर का जो जोर नंबर है उन लोगों को 0 करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे ऊपर देखते आ जाइए यहाँ लिखेंगे आर थ्री चेंज जैसे करना है हमें यहाँ पे आर थ्री में चेंज करना, ओके यहाँ पे ये थर्ड रो में चेंजेस करना है, यहाँ पे क्या करना है हमें इसे 1 करना है, यहाँ पे लिखेंगे आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन 2 क्या होगा 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा आर थ्री के साथ होगा, ओके आर थ्री के साथ होगा तो क्या होगा 1 अपॉन 2 यहाँ पे ये क्या होगा 2 1 हो जाएगा, ओके कैसे हमने यहाँ पे देखा था, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं पहले ब्रैकेट बना लेते, ओके यहाँ पे देखते हैं।
यहाँ पे ब्रैकेट ए रेज टू माइनस वन इक्वल्स टू, यहाँ पे ये ब्रैकेट। ओके चेंजेस किस में करना है, हमें दोनों में करना है, आर थ्री में करना है। तो आर वन आर टू हम पहले एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते। ओके आर आर वन कितना है, वन ज़ीरो माइनस वन, और यहाँ पे माइनस टू वन ज़ीरो, और नीचे वन ज़ीरो 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 वन टू। ओके यहाँ पे ज़ीरो वन टू है, यहाँ पे चलिए इनका देखते हैं क्या। ज़ीरो डिवाइड बाय वन अपॉइंट टू, ज़ीरो देखिए यहाँ पे डिवाइड होगा, वन अपॉइंट टू से क्या होगा ज़ीरो ही होने वाला है। ओके तो यहाँ पे क्या होगा ज़ीरो, और ये यहाँ पे भी ज़ीरो है नीचे, तो यहाँ का भी ज़ीरो हो जाएगा। ओके और यहाँ का क्या होगा टू डिवाइड बाय वन अपॉइंट टू इंटू वन अपॉइंट टू करेंगे तो कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे क्या होगा टू इंटू वन अपॉइंट टू फाइव अपॉइंट कितना हो जाएगा फाइव अपॉइंट टू हो जाएगा। ओके फाइव अपॉइंट टू यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे सिंपल। एंड देन यहाँ पे माइनस थ्री, अब माइनस थ्री का क्या होगा यहाँ पे माइनस थ्री अपॉइंट टू हो जाएगा, माइनस थ्री अपॉइंट टू। यहाँ पे देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे समझिए नीचे, यहाँ पे क्या माइनस थ्री का क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्ल, ठीक है आर थ्री। ओके अगर आपको नहीं समझा होगा तो आपको यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं वन अपॉइंट टू के साथ क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये ऊपर जा रहा है माइनस थ्री अपॉइंट टू, ये वन से मल्टीप्लाई हो गया जितना है बाहर उतना ही आएगा। ओके तो यहाँ पे हम ऐसा लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं ओके मैट्रिक्स बॉक्स में। और यहाँ पे क्या वन अपॉइंट वन है तो क्या होगा इससे होगा वन अपॉइंट टू, ओके उससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा वन अपॉइंट टू एज इट इज़ वहाँ पे सिंपल। इसके बाद क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे क्या था हमने यहाँ पे वन करना था, वन का यूज़ करके यहाँ पे दोनों ज़ीरो, जैसे यहाँ पे भी इन दोनों को ज़ीरो करना है। ओके तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए इस वन को क्या करेंगे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे आर टू से माइनस कर देंगे। ओके तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे चलिए लिखते आर वन का क्या करेंगे ओ बी। ओके पहला चेंजेस किसका लिखते हैं आर वन का। ओके यहाँ पे रो फर्स्ट का, तो यहाँ पे हम इसमें कैसा चेंजेस करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे आर वन और आर थ्री को, जिससे क्या होगा वन और ये माइनस वन क्या होगा ज़ीरो हो जाएगा, इससे हमें यहाँ पे ज़ीरो मिल जाएगा और यहाँ का भी ज़ीरो देखा हमने कैसे मिलेगा। ओके यहाँ पे लिखते आर क्या आर वन प्लस आर थ्री, एंड यहाँ पे क्या आर थ्री का चेंजेस क्या करना है आर थ्री, यहाँ पे क्या करेंगे आर थ्री इसमें आर टू में क्या करेंगे टू का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सॉरी यहाँ पे आर थ्री में यहाँ पे क्या टू का मल्टीप्लाई, चेंजेस किस में करना है हमें आर टू में, तो यहाँ पे हमने आर थ्री लिखा था आर टू कर देते हैं। ओके यहाँ पे भी हमने चलेगा यहाँ पे ऐसा लिखेंगे तो सिंपल, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम माइनस आर टू। चलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट बना लेते हैं ए रेस टू माइनस वन, यहाँ पे आपको ये लिखना बोलना नहीं हो क्या फॉर्मूला बीच में, आप जल्दी जल्दी में ए रेस टू माइनस वन लिखना भूल गया ऐसा नहीं चलेगा। ओके यहाँ पे आप नंबर कर देंगे बिकॉज दिस इज़ अ फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप का सिंपल। यहाँ पे चलिए लिखते हैं पहले में हमने क्या चेंजेस करना है, यहाँ पे क्या ज़ीरो प्लस वन कितना होगा वन, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, वन प्लस माइनस वन यहाँ पे माइनस वन प्लस वन क्या होता है वो ज़ीरो। ओके और यहाँ पे इसके अभी रो में यहाँ पे हमारा क्या है रो फर्स्ट है। ओके यहाँ पे क्या होगा फाइव अपॉन टू क्या करना है प्लस, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम फाइव अपॉन टू क्या करना है प्लस विथ माइनस टू करना है। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, देखिए यहाँ पे जो माइनस टू है ओके क्या होगा यहाँ पे देखिए नीचे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस टू, तो यहाँ पे क्या है टू इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे वन का इसके साथ और टू का इसके साथ, टू रोज़ा फोर हो जाएगा। ओके और यहाँ का ये फाइव और ये माइनस सिंपल, और यहाँ का नीचे का टू का टू। ओके तो यहाँ पे क्या होगा फाइव माइनस वन, और फाइव माइनस वन करेंगे कितना होगा वन अपॉन टू। ओके तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा वन अपॉन टू, इसे आपको याद रखना है। ओके और बार बार सॉल्यूशन करेंगे जिससे आपका रिवाइज होगा और आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। ओके तो आपको इसका प्रैक्टिस भी करते रहना है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है वन अपॉन टू,
अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस क्या करना है यहाँ पे, वन प्लस माइनस थ्री अपॉन टू। देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं वन प्लस माइनस थ्री अपॉन टू। यहाँ पे क्या होगा, ये टू है, जैसे कि हमने यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया वैसे ही यहाँ पे भी होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, टू इंटू वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और ये माइनस वन और यहाँ पे नीचे का टू का टू, यहाँ पे क्या होगा टू माइनस थ्री। ओके, क्या होगा टू माइनस थ्री कितना होगा, माइनस वन हो जाएगा, और नीचे का टू कितना होगा, माइन टू का टू, यहाँ पे ये नीचे। ओके, यहाँ पे ये माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माइनस वन अपॉन टू। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, डिवाइडिंग में जब हम इसका ऐड अप करते तो क्या हो, चेंजेस होता है। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या करना है, देखिए जीरो प्लस वन अपॉन टू करेंगे तो कितना आएगा, उतना ही आएगा। ओके, जीरो को इससे भी प्लस करते हैं, जो नंबर रहता सामने उसके उतना आता है, अगर जीरो प्लस जीरो रहेगा तो जीरो ही आएगा। ओके, यहाँ पे हमने ये फर्स्ट रो चेंजेस था वो कर लिया, अब क्या करना है यहाँ पे सेकेंड रो में जो चेंजेस है वो कर दे, सेकेंड हमारा ये रो। ओके, यहाँ पे ये आर टू, सिंपल, यहाँ पे क्या टू इंटू आर थ्री। देखिए हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे आर टू चेंजेस, जैसे कि हम लिखते हैं हमेशा आर टू माइनस टू इंटू आर थ्री। ओके, ऐसे हम, मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे क्या है आर टू का ये ज़ीरो, एंड देन आर थ्री का यहाँ पे इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, ज़ीरो इंटू टू ज़ीरो ही होगा। ओके, और यहाँ का ये ज़ीरो में चेंजेस हो पाएगा क्या, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या है ज़ीरो एज इट इज़, सिंपल, यहाँ पे ज़ीरो एज इट इज़। तो यहाँ पे हम पहले आर थ्री जो था हमें चेंजेस उसमें कुछ नहीं करना, उसे हम लिख लेते हैं जिससे हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये माइनस थ्री अपॉन टू, यहाँ पे ये वन अपॉन टू। ओके, एंड देन यहाँ पे आइए देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब ज़ीरो को क्या करना है, यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करना है आर थ्री का, एंड देन आर टू का क्या वन है जो उसमें माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए आर थ्री का क्या ज़ीरो से टू से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो का। ओके, तो क्या होगा हमें ज़ीरो ही मिलेगा, यहाँ पे वन है क्या, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए वन माइनस आएगा टू ज़ीरो, तो हमें क्या मिलेगा वन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वन है जो एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, एंड देन यहाँ पे क्या ये टू, अब टू का क्या होगा यहाँ पे देखिए टू के लिए हमने चेंजेस किया था। ओके, टू का क्या होगा यहाँ पे ज़ीरो होगा, ज़ीरो कैसे होगा यहाँ पे मैंने बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या वन है आर, यहाँ पे क्या ये टू है आर टू, माइनस कितना यहाँ पे टू आर थ्री, यहाँ पे इसके नीचे कितना है वन है। ओके, टू इंटू वन, ओके अब तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे ज़ीरो, तो यहाँ पे ये ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या चेंजेस वही करना है अकॉर्डिंग टू द दिस रूल। चलिए करते हैं, यहाँ पे क्या आर टू ये माइनस दिस, इसमें क्या करेंगे टू से मल्टीप्लाई एंड देन इसे माइनस। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप जब टू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का क्या होगा, ये जो टू है वो नीचे का हट जाएगा। ओके, मतलब समझिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, देखिए फाइव इंटू टू, यहाँ से टू मल्टीप्लाई टू टू क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पे सब में समझिए यहाँ का टू हट जाएगा क्योंकि सबके नीचे क्या है टू है। ओके, एंड देन क्या चेंज होगा यहाँ पे, क्या वन है, वन क्या करना है माइनस, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या वन माइनस फाइव करेंगे कितना होगा माइनस फोर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस फोर हो जाएगा। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या है ज़ीरो, अब ज़ीरो क्या है ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो माइनस थ्री करेंगे तो देखिए कितना होगा माइनस थ्री हो जाएगा। ओके, सॉरी यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे पहले से माइनस है, देखिए आप ध्यान देना है, हमें यहाँ पे क्या है माइनस नहीं था, यहाँ पे क्या करना है माइनस थ्री को क्या करना है, माइनस थ्री को क्या करना है इसके साथ माइनस, तो ये माइनस है, माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस, हमें इनका ध्यान रखना है। ओके, एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे वन अपॉन टू, मतलब यहाँ पे ये हट गया, तो ज़ीरो माइनस वन करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस वन मिल जाएगा। ओके, तो हमारे यहाँ पे जो मेन सॉल्यूशन था यहाँ तक वो हो गया, और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मूला लिख के यहाँ पे आपको कैसे कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या करना है हमको, देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा आई हो जाएगा,
सिंपल ये हमारा क्या हो गया, हमने किस में कन्वर्ट करना था, इसमें कन्वर्ट करना था, जो कि हो गया। तो आई इनवर्स ए, ओके आई यहाँ पे इनवर्स ए, और यहाँ पे ए क्या हमारा, ये यहाँ पे एज इट इज़ हम लिख देंगे। ओके यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं, तो हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ समझिए, हमने यहाँ पे इसे लिखना है सिंपल। एंड देन क्या करना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप में जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही आई को हटा के वापस से यहाँ पे इसको लिखना है। ओके यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ ए दोनों ही रहेंगे सिंपल। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सरसाइज था फिनिश हुआ। ओके इस एक्सरसाइज का जो पार्ट पहले पीछे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था 1-4 क्वेश्चन तक, और यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश कर लिया। ओके तो मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।